और इस बीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कलायत से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता सुख की मलाई की मंशा रखने वाले नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं है। राष्ट्रहित और जनहित की भावना रखने वालों को बीजेपी में जगह दी जाएगी, उनके लिए जगह है, स्थान है। पारदर्शी नीतियों के कारण दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में रुझान बढ़ रहा है। प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक दर्जन दलों के नेता बीजेपी में आने को बेताब हैं। पीएम मोदी हों और गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पन्ना प्रमुखों को सम्मानित करेंगे और अगस्त महीने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। तो ये अहम खबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार दूसरे दलों से टूटकर नेताओं कार्यकर्ताओं का आना भारतीय जनता पार्टी में जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तेजी के साथ आगे जो जारी हो रहा है उसके लिए भी एक स्पष्ट यहां पर बात कर दी गई उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि यदि कोई लालसा रख के आता है तो उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। सिर्फ राष्ट्रहित देशहित की बात यदि कोई करता है, यदि वो चाहता है कि देश के लिए वो आगे विकास के रास्ते को मजबूत करे, उस गाड़ी को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, तो इसलिए उनका जो है पार्टी के अंदर स्वागत है। शोभा चंद हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शोभा जी, क्या इस पर जानकारी है? देखिए, आज जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कलायत हल्का के अंदर आने वाले तीनों मंडलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की जो बैठक थी उसको संबोधित भी किया और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया। इसी दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि आज विपक्ष के तकरीबन जो भी नेता हैं, अपने आप को जो बड़े नेता मानते हैं, वो सभी भाजपा में प्रवेश को लेके कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शोभा चंद इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता शोभा चंद जो कि इस पर जानकारी दे रहे थे, दरअसल सीधे सीधे एक जो बयान दिया गया अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की तरफ से, उसमें उन्होंने सीधे जो लाइन है वो स्पष्ट कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सत्ता सुख की मलाई की मंशा रखने वाले नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में यदि कोई नेता कार्यकर्ता आना चाहता है तो किसी लालसा से वो पार्टी ज्वाइन ना करे, पारदर्शी नीतियों और देशहित में यदि वो आना चाहता है तो पार्टी उनके लिए स्वागत करती है।